Now talking about hints for engaging in informal confrontation. This is very important to understand कि जब हम कोई भी uh, corrective actions की बात करते हैं और हम उसको formal तरीके से जो है वो deal करने की बात करते हैं तो वो situation काफी intense हो सकती है। अगर उसी situation को हम uh, informal तरीके से जो है वो deal करने की कोशिश करें तो उसमें at times हम ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। One attractive feature of informal peer monitoring is that when it works out well

फॉर द प्रोसेस ऑफ अंगेजिंग इन इन फॉर्मल अप्रोच फॉलोइंगस प्री कन्फ्रंटेशन प्रेपरेशन अब आपने किसी को कन्फ्रंट करना है आपका कोई कॉलीग है वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आप उसके साथ जाकर यह बात कर सकें कि तुम एक अनएिकल जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो या तुम तुमने ये इन इन एथिक्स की वायोलेशन की है वाइल डूइंग दिस केस तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट एथिकल प्रिंसिपल और लॉ एट अप्लाइज टू द सस्पेक्टेड ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स सबसे पहले हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर हम किसी से जा बात करना चाह रहे हैं उसे कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं तो हमारे हाथ में वो लॉ वो रूल वो प्रिंसिपल होना चाहिए ए का हीपा का जिसकी वायलेशन उस इंडिविजुअल ने की है चाहे वो किसी भी तरह की थी देन रिफ्लेक्ट थर्ली ऑन योर ओन मोटिवेशन टू एंगेज इन और अवॉइड इन कन्फ्रंटेशन विद अ कोलीग देन ये अंडरस्टैंड करना कि हम उससे ये बात क्यों करने जा रहे हैं क्या हमारी उसके साथ कोई प्रोफेशनल ड्राइवरी या जैलसी है हम उसको अंडरमाइन करना चाह रहे हैं उसको हम डिमीन करना चाह रहे हैं या हम एक प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और एक अपराइट इंडिविजुअल के तौर पर उससे बात करना चाह रहे हैं कि इस चीज़ का एक्ट का जो है वो आ, एक लॉस हमारी कम्यूनिटी या हमारी सोसाइटी को क्या होगा तो पहले अपने प्रोज एंड कॉन्स देख के कि हमारे बात करने का मकसद क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है दैन इट इज़ ऑल्सो वॉइस टू कंसिडर एनी कल्चरल इशूज दैट मे हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड दिचुएशन अब अगर हम किसी ऐसी कम्यूनिटी में हैं जहाँ पर बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है और एक इंडिविजुअल ने कोई आ, ऐसा डिसीजन लिया जो हमें अनएिकल लग रहा है तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या वो कल्चरली अप्रोप्रिएट था या हम सिर्फ अपनी पर्सनल बाइसिस की वजह से उसको गलत समझ रहे हैं दैन दस एज द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस एविडेंस की जो स्ट्रेंथ है वो असेस करना और उसको हमें गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल इन्फ्रैक्शन पर्टिकुलरली द मोस्ट सीरियस वन सेल्डम इन एक्ट्स कमिटेड ओपनली बिफोर द होस्ट ऑफ दिस पैशनेट विटनेस बाजुत बहुत बहुत हीनीस क्राइम्स होते हैं लेकिन उसकी कोई ओपन पिक्चर हमारे सामने नहीं होती अभी मैंने रिसेंटली जैसे आपको डिफरेंट केसेस में एग्जांपल्स दी और एक रीसेंट आपको मैंने पाकिस्तानी केस नूर मुकदम के केस की बात की इसमें देखें एक हीस क्राइम था लेकिन इसके जो पीछे जो विटनेस थे उनको निकालना और ढूंढना ये इतना आसान काम नहीं था तो यहाँ पर भी अगर हम इस सिचुएशन के अंदर वही सारी जो स्टोरी uh, है उसको अगर हम फिट इन करें तो वी कैन वेल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ईजी कि किसी भी स्टेप के ऊपर जो है वो आप इजिली पीप इन कर सकें विध फ्यू एक्सेप्शन सच एज ड्यूरेबल मटीरियल सच एज लेटर एंड ई मेल्स नो टैजल एग्जिबिट्स ट ड अनएिकल इवेंट एवर अकर्ड जब तक हमारे पास किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता कुछ लिखा हुआ नहीं होता कोई टेक्सट नहीं होता कोई लेटर नहीं होता कोई हमारे पास किसी सिचुएशन की वीडियो कैमरा के अंदर जो है वो वीडियोग्राफी नहीं रही होती हमें उस वक्त तक उस चीज़ को प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है यानी जैसे ये नूर मुकदम के केस में अगर वहाँ पे कैमराज ना लगे हुए होते तो ये जानना कि क्या अन एक्ट्स वहाँ पर हो रहे थे इसको रिट्रीव करना जो था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता हम सिर्फ के ऊपर किसी भी चीज को जो है वो नहीं कर सकते थे। पहला तो यह कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि कोई अन या हरकत कर रहा है दूसरा नोइंग एंडक्लोजर ऑफ अगर आपको किसी से पता चला कि ये इंडिविजुअल जो है ये कुछ ऐसा करने जा रहा है ऐसा प्लान करने जा रहा है जो अनएथिकल होगा देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ अग सस्पेक्शन बट नॉट क्लियरली इंटरप्रेटेबल बिहेवियर यानी आपने देखा तो है लेकिन उसकी इंटेंशन को आप रीड नहीं कर सकते और आप उसको थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं बट इट्स गोइंग टू बी अनएथिकल और नॉट देन रिसिप्ट ऑफ अ क्रेडिबल सेकेंड हैंड रिपोर्ट ऑफ अनएथिकल कंडक्ट आपको किसी से एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें वो आपको कहते हैं कि ये चीज़ें हैं ये प्रूफ्स हैं लेकिन ये मैं आपको तब मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया और अब मैं ये आपको ला के दे रहा हूँ बट देयर कम्स ऑल्सो द सिचुएशन जिसमें थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये ऑथेंटिक भी हैं या नहीं है देन कैजुअल गॉसिप अबाउट द कोलीग्स अनएथिकल बिहेवियर और जैसे कुछ लोगों के बारे में जर्नल जो है वो एक डिस्कशन जो है वो कम्यूनिटी में हो रही होती है कि ये इंडिविजुअल जो है ये अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो ये पाँच तरीके हो सकते हैं at this point consultation with a trusted colleague is very important who has demonstrated sensitivity to ethical issues it's very much the reliability of one self ki wo apne kisi trusted colleague se aise situation mein baat kare aur fir ek informal confrontation ke liye situation prepare kare जिसमें वो individual जो unethical practice कर रहा है उसके साथ बैठ के बातचीत की जाए ताकि उसको किसी formal correctional forum से गुजारने की बजाय उसके अनएथिकल बिहेवियर्स को पहले ही इम्प्रूव किया जा सके